जानलेवा पबजी की तरह फ्री फायर मोबाइल गेम भी घातक साबित होने लगा है। इस मोबाइल गेम के चक्कर में तीन मित्र शनिवार की सुबह 5 बजे एक साथ घर से मुंबई जाने के लिए निकल पड़े। वह नागपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और मुंबई के लिए रवाना हो गए। पालकों और पुलिस ने सतर्कता दिखाकर आरपीएफ से मदद मांगी। इसके बाद तीनों बच्चों को मुंबई जाने वाली ट्रेन से नासिक में शाम को उतार लिया गया। एक ही बस्ती के तीन किशोरों के गायब होने पर खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस ने तीनों मित्रों के मोबाइल लोकेशन से उन्हें ढूंढ निकाला। पुलिस सूत्रों के अनुसार प्रताप नगर थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति नगर इलाके में रहने वाले तीन 16 वर्षीय दोस्त अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर गेम डाउनलोड किया। उसके बाद से तीनों दोस्त अक्सर मोबाइल फोन पर व्यस्त रहने लगे। 5 दिन में तीनों के बीच ज्यादा मेलजोल बढ़ गया। देर रात तक गेम और सुबह आग खुलते ही मोबाइल, यही दिनचर्या में शामिल हो गया। रोजाना की तरह शनिवार को सुबह 5 बजे उठकर जाने लगे तो परिजनों को लगा आदतों में सुधार लाने के लिए शायद घूमने जा रहे हैं, पर हकीकत कुछ और ही थी। कल दिनांक 13/2021 को प्रताप नगर इलाके गोपाल नगर परिसर से तीन अल्पवयस्क बच्चे सुबह 5:30 बजे घर जॉगिंग करने के हिसाब से घर से निकल गए थे। वो सुबह 10 बजे तक वापस नहीं आए। उनके पालक चिंतित होकर पुलिस स्टेशन में बताने कि हमारे बच्चे अभी तक घर वापस नहीं आए, गुम हो गए। वो लोग चिंतित हो गए। इस पर पुलिस तुरंत एक्शन में आकर पूरा इलाका वगैरह सर्च किया। उसके बाद में ऐसा पता चला कि लड़के ट्रेन से मुंबई के लिए निकले हैं। यह खबर से रेलवे स्टेशन के पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर उनका बच्चों का जो ट्रेन में बैठे थे वो ट्रेन के बोगी तक सीसीटीवी सर्च किया तो ऐसा पता चला कि वो सेल्डो एक्सप्रेस में S1 कोच में बैठे। ये मालूम से हमारे DCP श्री नूरुल हसन सर, इन्होंने उनके बैच में बैठे SP रेलवे और सर से बात करके बच्चों को वो ट्रेन में कैप्चर करने के लिए सूचित किया गया। ये जानकारी के मुताबिक SP रेलवे साहब और आरपीएफ के जवानों ने बच्चों को नासिक रेलवे स्टेशन पर ये सेल्डो एक्सप्रेस से उतार कर उनको ताबे में लिया है। बच्चों को लाने के लिए उनके माता पिता और पुलिस स्टाफ रवाना हुआ है। ये बच्चे फायर थ्री नाम का जो एंड्रॉइड गेम है वो गेम खेलने के इससे घर से मुंबई के लिए निकले थे। यदि वो मुंबई पहुँचते थे और कहीं गलत जगह जा सकते थे, उनके साथ में अनहोनी हो सकती थी।